एक टाइम में शायद ग्लेशियर नीचे तक था, अब वो एक छोटा सा लेक बन गया है। यहाँ पे अभी छोटा सा एवलांच हुआ है, पूरा लेक है ना जमा हुआ है। 2027 तक ये ग्लेशियर 4 किलोमीटर और पीछे चला जाएगा। गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, प्लेस माउंट कुक। और यार मुझे सच में यहाँ के व्यूज की तारीफ करनी पड़ेगी। न्यूजीलैंड के जितने भी बड़े बड़े पहाड़ हैं ना, सारे इसी एरिया में पड़ते हैं। गाड़ी से बाहर निकलते ही मुझे ग्लेशियर दिख रहा था, और भाई उसकी बर्फ इतनी नीली, क्या बताऊँ आप लोगों को। अभी बस थोड़ी देर में मैं अपना ट्रैक स्टार्ट करने वाला हूँ। सुबह के 9 बज चुके हैं, 9:30 तक मैं अपना ट्रैक स्टार्ट कर दूंगा। अभी चाय पीऊंगा, और उसके बाद जो कल रात का खाना था वो उसको गर्म करके खाने वाला हूँ। रात को ठंड, ये मान लीजिए -2 या -3 तक टेम्परेचर पहुँच गया था जब गाड़ी से बाहर निकला टॉयलेट करने के लिए, तब भाई गाड़ी के ऊपर बर्फ जमी हुई थी। रात को ठंड बिल्कुल नहीं लगी। वैसे बैकअप के लिए मैंने जो अपना स्लीपिंग बैग था ना वो रखा हुआ था, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इन्होंने रजाई दी थी, इससे ही काम चल गया। ये पानी भी उबल गया है इस पतीले में, जितने भी चावल है ना सारे डाल दूंगा, ज्यादा चावल बचे भी नहीं, इतने से ही हैं। जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना है, अब ट्रैक पे पहुंचना है। काफी लोग ऑलरेडी मेरे से पहले उठ के चले गए हैं, मैं थोड़ा लेट हूँ। ये टेबल यार बड़ा सही ले लिया मैंने, बहुत मस्त लगता है। ये देखिए इसके ऊपर आराम से बैठ के बेस बन जाता है, इसके बैठ के ढंग से खा भी सकता हूँ। तो भाइयों और बहनों, खाना खा के अब मैं तैयार हूँ। ये फ़ोन अभी चार्ज हो रहा था, अब इसको भी बस 91% हो गया है। आगे से मैंने मुझे एक छोटे वाला बैग लेना है, और उसके बाद आई एम गुड टू गो। ये देखिए भाई व्यू, उधर आपको थोड़ी थोड़ी ब्लू आइस दिख रही है ना, वो है यहाँ का ग्लेशियर। ये माउंट कुक नहीं है, ये माउंट कुक इसके पीछे पड़ेगा, अगर आप थोड़ा आगे जाएंगे ना तो यहाँ से दिख जाएगा। ये सामने जो आपको पहाड़ दिख रहा है, इस पहाड़ का नाम है माउंट सेफ्टन, और अभी मैं यहाँ पे ट्रैक करने वाला हूँ। इस माउंट सेफ्टन के ऊपर उधर जो ऊपर वाली बर्फ दिख रही है भाई, एकदम ब्लूइश इफेक्ट आ रहा है उससे। अपनी महारानी और ये कैंप साइट, ये वाले जो फैसिलिटीज़ हैं, जैसे टॉयलेट्स हैं और एक दो चीज़ और थी, लेकिन ठंड के कारण वो सब बंद हो रखे हैं। और ये जो ट्रैक है ये कम से कम 3 से 4 घंटे का होने वाला है। गर्मियों के टाइम पे यहाँ पे मस्त भीड़ भी होती होगी। गाड़ी के ऊपर बर्फ जमी हुई थी थोड़ी थोड़ी, इतनी ठंड थी यार। और नीचे घास के अंदर भी जमी हुई है। और भाई मस्त एकदम पैक होके निकला हूँ। नॉर्मली अब तक मैं कॉटन की सॉक्स पहन रहा था, आज मैंने वूलन सॉक्स पहनी है। इनर तो आज भी नहीं पहना, बाकी ऊपर टोपे लगा लिए, और गर्दन पे ये नेक वार्मर। सामने उधर आपको छोटे छोटे घर दिख रहे होंगे ना, वहाँ पे सब अकोमोडेशन है। यहाँ पे एक हॉस्टल भी है, तो अगर आप गाड़ी रेंट नहीं करना चाहते तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो पब्लिक बसेज हैं, वो यहाँ तक आती हैं। इस जगह को माउंट कुक ही बोलते हैं। वो माउंट कुक के जितने भी एक्सपेडिशन हैं, माउंट कुक की जितनी भी वैलीज हैं, वो सब इसी साइड पड़ती हैं। इस साइड से माउंट कुक को एक्सेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इन हेलीकॉप्टर, लेकिन जो हेलीकॉप्टर के ज़्यादा टूर चलते हैं ना, वो उस साइड से चलते हैं, फ्रांस जोसेफ साइड से, जो न्यूजीलैंड का वेस्ट कोस्ट है उधर से। ये देखिए नीचे भाई बर्फ, मस्त ट्रैक होने वाला है। तो होटल्स के लिए आप वहाँ पे रुक सकते हो, ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5 किलोमीटर पड़ेगा वो जगह यहाँ से। और अगर आप अपनी गाड़ी में आ रहे हो तो गाड़ी यहाँ पे पार करके $15 पर नाइट के हिसाब से यहाँ पे कैंप कर सकते हो। सर्दी में भाई प्रिपेयर होके आना, क्योंकि टेम्परेचर -3 या -4 तक पहुँच जाता है। भाई कितना खतरनाक आ रहा है ये, मैं आपको दिखाता हूँ। जो ग्लेशियर आइस की बात कर रहा हूँ, ब्लू ब्लू दिख रही है, देखिए आपको ये भाई पूरा ग्लेशियर है, माउंट स्टेफन। और भाई एक टाइम में शायद ग्लेशियर नीचे तक था, अब वो एक छोटा सा लेक बन गया है। जो पानी सामने आपको दिख रहा है वो ग्लेशियर से ही बह के आ रहा है ऊपर। वो जो इस वाले एरिया में, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, हाँ ये ग्लेशियर ही है। वापस से मैं जो अपनी हाइक है उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। न्यूजीलैंड की ये बात तो माननी पड़ेगी यार, न्यूजीलैंड सच में कुछ ज़्यादा ही सुंदर है। लेकिन ये व्यू बड़ा प्यारा लग रहा है। ये चीज़ें आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को नहीं मिलेंगी भाई। ऑस्ट्रेलिया में इक्के दुक्के ऐसे माउंटेन हैं जहाँ पे बर्फ़ गिरती है, स्की रिजोर्ट बहुत कम है, और ऐसी तो एक भी जगह नहीं है जहाँ पे पूरे साल बर्फ रहती होगी। न्यूजीलैंड में ऐसी बहुत जगह हैं, जैसे माउंट कुक हो गई, ये सारे जो ग्लेशियर हैं जिनमें आपको एकदम नीली नीली बर्फ़ दिख रही है, ये पता नहीं कितने सदियों पुरानी बर्फ़ है। अभी टेम्परेचर शायद 3-4 डिग्री हो गया होगा। अरे भाई जब भी मैं इस टाइप की वो देखता हूँ ना, ये हैंगिंग ब्रिज, मेरे को अपने तूतिंग की याद आ जाती है। तूतिंग याद होगा आपको, अपने नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर आपको इस टाइप के ब्रिज मिलेंगे, या उत्तराखंड में। मैक्सिमम लोड 20 पीपल, ब्रिज क्लोज्ड।
पत्थर की लेन के ऊपर पैर रखते हुए भी ध्यान रखना पड़ रहा है भाई। थोड़ी देर चलने के बाद ही गर्मी लगने लग गई। और ये ट्रैक स्टार्ट करने से पहले एक जगह पर इस ट्रैक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी, और वहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ था, भाई अगर कोई भी मज़ेदार फ्रूट जो तुम्हें दिखे वो मत खाना, वो बेरीज है और वो पॉइजनस होती है। वाह यार, ये तो एकदम इनटू द वाइल्ड वाला सीन हो जाता। एक ऐसी सी सिमिलर हाइक मैंने जॉर्जिया में की थी जब मैं उस गुली गया था। उस ग्लेशियर का नाम तो मैं भूल गया, लेकिन वो हाइक बड़ी मज़ेदार थी यार। वहाँ पे एक एडवांटेज थी कि वहाँ पे आप ड्रोन फ्लाई कर सकते हो, इस एरिया में आप ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो हेलीकॉप्टर उड़ते हैं ना। कई लोगों को बर्फ़ के ऊपर जाना होता है पहाड़ के ऊपर, तो आप हेली लेके ऊपर जा सकते हो। पहले मेरा मन था वो करने का, लेकिन अब मेरा मन नहीं है, पता नहीं क्या। ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, ये है माउंट कुक, न्यूजीलैंड का सबसे ऊंचा पहाड़। ऐसे अपने इंडिया कोई माउंटेन है जिसको आप बाय रोड एक्सेस कर सकते हो? ये देख लीजिए, मैंने सिर्फ यहाँ से 5 किलोमीटर पीछे ही गाड़ी पार्क की, और पूरे 5 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद मैं ऑलमोस्ट पहाड़ के नीचे पहुँच जाऊँगा। ये चीज़ें सिर्फ आपको न्यूजीलैंड में मिलेगी। भाई आपको ये थोड़ी सी बादल दिख रहे हैं ना बीच में, यहाँ पे अभी छोटा सा एवलांच हुआ है, आवाज़ भी आई थी अभी। भाई इस टाइप के 3 ब्रिज आ चुके हैं अब तक, ये तीसरा है। और जैसे ही इन ब्रिज के ऊपर चढ़ता हूँ मेरे को नॉर्थ ईस्ट की याद आ जाती है, कि सबसे पहले मैंने हैंगिंग ब्रिज नॉर्थ ईस्ट में देखे थे, लेकिन अपने नॉर्थ ईस्ट वालों में ज़्यादा एडवेंचर होता है इससे, ये कुछ ज़्यादा ही सेफ लग रहा है। अरे भाई साहब, भाई इसे बोलते हैं लेक। ये लेक जो हुआ है और बीच में जो आप देख रहे हो ना, वो ग्लेशियर की बर्फ है, वो बड़ा सा बर्फ का, बर्फ की सिल्ली मान लीजिए आप, बड़ी सी। और भाई ये है सामने मैजेस्टिक माउंट कुक, ये देखिए भाई पूरा लेक है ना जमा हुआ है, फ्रोजन लेक। इतना बड़ा बर्फ की सिल्ली पता नहीं है कहाँ से आ गई एकदम, ये बीच में जमी हुई है। और अगर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं, ये जो आपको नीचे दिख रहा है ना ये वाला, ये इधर ये ग्लेशियर है, ग्लेशियर के ऊपर काली वो पत्थर जमे हुए हैं, ब्लैक आइस हो चुके ग्लेशियर की। और अब मैं नीचे लेक की तरफ जा रहा हूँ, बादल देख रहे हो कितने नीचे तक आ गए, और सामने ये महाराजा है माउंट कुक। अब आपको इस फ्रोजन लेक की प्रॉपर्टीज दिखाता हूँ, आज तक मैंने कभी भी लाइफ में फ्रोजन लेक नहीं देखे, फर्स्ट टाइम है कि एक लेक को जमा हुआ देख रहा हूँ मैं। कि इस बर्फ की परत को देखिए आप, देख रहे हो भाई, ये देखो। अरे बाप रे, आवाज देखी आपने, एक ये भी निकाला। अरे आवाज ही बड़ी प्यारी आ रही है बर्फ को तोड़ने की, यहां से जो आएगी देखना। मस्त फीलिंग है भाई। मैं तो एक बार थोड़ा और आगे जा के आ रहा हूँ, वहां तक जहां तक पैदल जा सकते हैं, एकदम एंड तक तो नहीं जा पाऊंगा। मैं इस ट्रैक के अंदर जितना एक्सट्रीम में आ सकते हैं ना उतना आगे तक पहुंच गया हूँ। इससे आगे है ना पत्थर एकदम सीधे ही हैं यार, और उनके ऊपर चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और वहाँ पे थोड़ा खतरा भी है। लेकिन ग्लेशियर मेरे से सब ये मान लीजिए, अगर मैं चलता जाऊँगा तो 15 मिनट में ग्लेशियर के पास पहुँच जाऊँगा, मैक्स टू मैक्स 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से, लेकिन वहाँ तक जाना पॉसिबल नहीं है अब। ये देखिए भाई ऊपर वाले ग्लेशियर कितने सेक्सी लग रहे हैं, मस्त एकदम। ये वाली चोटी देखिए ना आप, इसके चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिख रही है बस। और यहाँ पे है ना लेक एक अजीब सी चीज़ और शो कर रहा है, ये देखिए आप, मैं दो पत्थर फेंकूंगा, उन दोनों पत्थरों के अंदर आप डिफरेंस देखना। डूब गया, ये वाला देखना आप, आवाज़ आई, वहाँ पे बर्फ है। इस लेक की अभी जो थोड़ी थोड़ी बर्फ वापस से पिघलनी स्टार्ट हो गई है, ये देखिए। ये वाली जो साउंड है ना एकदम अलग ही है भाई। अभी विंटर पूरे तरीके से आई नहीं है न्यूजीलैंड के अंदर, जुलाई और अगस्त वीक होती है यहाँ पे, तो उस टाइम के ऊपर शायद इस लेक के ऊपर आप चल भी सकते हो वो स्पाइक्स वाले जूते पहन के, या फिर आइस स्केटिंग कर सकते हो, अभी तो नहीं भाई। यहाँ पे पानी पिघला हुआ है देखो,
वापस जा रहा हूँ भाई मैं। यहाँ पे एक और लेक पड़ता है, तासमान लेक, तासमान ग्लेशियर का, वो जस्ट इस पहाड़ के पीछे वाले साइड में है, वहां पे जाऊंगा। अभी ये 5 किलोमीटर हाइक करके जाना है गाड़ी के पास, फिर गाड़ी लेके निकलूंगा तासमान ग्लेशियर की तरफ, फिर वो वाली हाइक करूंगा और उसके बाद इस एरिया को छोड़ के निकल जाऊंगा। इस जगह का नाम है हुकर वैली। ये सिचुएटेड है माउंट कुक के बिल्कुल पास में, माउंट कुक की जो नदी निकलती है हुकर रिवर उसके ऊपर, और ये रह गया हुकर लेक, और आगे रह गया हुकर ग्लेशियर। अरे बाप रे, एक ही इस साइड वाला एरिया देखिए और इस साइड वाला एरिया देखिए, इस साइड देखिए, लोगों ने पत्थर मार मार के ना पूरा भर रखा है, मेरे जैसे काफी लोग होंगे। अब पत्थर मारने से कोई दिक्कत थोड़ी है यार, पत्थर ही तो है, जब ये बर्फ पिघलेगी तो ये वापस लेक के अंदर चले जाएंगे। इधर अपने एशियन भाई बहन बहुत ज्यादा आ रखे हैं। अब वापस से 5 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ेगा और फिर मैं अपनी मंजिल के ऊपर पहुंचूंगा। इस ट्रैक का सबसे मस्त वाला पॉइंट मेरे को ये वाली जगह लगती है। इस साइड देखिए ये वाले पहाड़ आ रहे हैं, पीछे माउंट कुक आ रहा है, ये पाथवे सा बना रखा लकड़े के ब्रिज को यूज करके, तो ये भी बड़ा प्यारा लगता है। और ये जो पानी है ये उधर से आ रहा है, बस अभी थोड़ी देर में ये वाला जो व्यू है ना निकल जाएगा, माउंट कुक पहाड़ों के बीच छिप जाएगा। ये देख लीजिए, बस भाई अब ट्रैक खत्म होने वाला है, पहुंच गया हूँ वापस। ये है भाई कैंप साइट, और वो खड़ी अपनी गाड़ी बीचों बीच। अभी यहाँ पे काफ़ी लोग आ गए हैं, यहाँ पे पार्किंग भी है, इस साइड है कैंप साइट और उस साइड पड़ती है पार्किंग, क्योंकि जो आगे माउंट कुक के लिए जो टाउन बसी हुई ना वो उधर है, द फर्स्ट हर्मिटेज रुइन बाय रॉक एंड रिवर। अब गाड़ी के अंदर थोड़े सामान को एडजस्ट करना है और जो लेक तासमान है उसकी तरफ जाना है, फिर भाई आज रात की डेस्टिनेशन कंफर्म करूँगा कि कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं, क्योंकि अभी इस वैली में तो नहीं रुकने वाला मैं। आज सोच रहा हूँ यार हॉस्टल में रुक जाऊँ, कपड़े भी धोने हैं, एक वीडियो भी एडिट करनी है, एक दो ट्रैवल पार्टनर भी मिल जाएंगे, यही करता हूँ फिर। अरे बाप रे थक गए, 10 से 12 किलोमीटर की हाइक हो गई है अब तक मैंने इस ट्रिप के अंदर, इतने किलोमीटर कवर कर लिए 400। ये गाड़ी है पेट्रोल की तो एवरेज उतनी अच्छी नहीं देगी यार, ज्यादा ज्यादा 1 लीटर में 9 की एवरेज देती है, उससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर रहा हूँ मैं इसे। टाइम हो चुका है 1:10, तो जल्दी निकलते हैं वरना भाई अगले वाले पॉइंट पे लेट हो गए तो फिर इस वैली से नहीं निकल पाऊंगा। तो करे भाई आज का श्री गणेश, थैंक यू कैंप साइट और थैंक यू पहाड़। ये देख लीजिए मैं अकेला नहीं हूँ जो यहाँ पे रात को रुके हुए थे, जितने भी आपको एक कैंपर दिख रही है ना सब लोग यहाँ रात को रुके हुए थे, और एक भाई तो अभी खाना वाना बना रहे हैं, वो देख रहे हो ये वाले भाई साहब, ये नॉर्मल पार्किंग है। ये जो इधर दिख रहे हैं ना छोटे मोटे घर से, ये टाउनशिप बसी हुई है इस माउंट कुक के लिए, यहीं पे आपको हॉस्टल्स और बाकी अकोमोडेशन मिलेंगे। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर आगे वो कैंप साइट है जहाँ पे रात को मैंने कैंप किया था, और अब मैं जा रहा हूँ लेक तासमान की तरफ, पीछे रह गया था लेक हुकर, हुकर वैली, और अब जाऊंगा तासमान वैली, वो वाली वैली जो उधर आगे दिख रही है ना उसमें। इन पहाड़ों के अंदर थोड़ी थोड़ी अपने स्पीति और लद्दाख वाली फील भी है। ये भाई लेक तासमान की पार्किंग, गाड़ी को यहाँ खड़ा कर दिया है और अब मैं ट्रैक करके ऊपर जाने वाला हूँ। ज्यादा बड़ा ट्रैक नहीं है, 15 मिनट में मैक्सिमम ऊपर पहुंच जाऊंगा, 1 किलोमीटर भी नहीं है। और मैं सोच रहा था यहाँ पे ड्रोन उड़ाने की, यहाँ पे हर एरिया में आपको नो ड्रोन के बोर्ड मिल जाएंगे। पता नहीं पैरों के अंदर थकान सी हो रही है मेरे को। यहाँ पे मेरे को अभी 2 आंटी मिली, उनसे मैंने पूछा कि कौन सा ट्रैक करना चाहिए, यहाँ के ट्रैक ज्यादा बड़े नहीं है, तो उन्होंने बोला कि दोनों ही कर ले, दोनों ज्यादा अच्छे हैं। पहाड़ का जो खतरनाक व्यू है ना मुझे यहाँ से ज्यादा लग रहा है। अभी मैं जा रहा हूँ तासमान नदी के किनारे पे, देख रहे हो भाई ग्लेशियर से बर्फ टूट टूट के नीचे तक आ गई है। ये है तासमान लेक, अब जो ग्लेशियर का मेन व्यू पॉइंट है उधर जाता हूँ यार, यहाँ पे मुझे लग रहा है मस्त मस्त वो मिलेंगे व्यू पॉइंट। इस लेक के अंदर ज्यादा बर्फ दिख रही है मेरे को, हुकर वैली का जो लेक आपने देखा था उसमें बस देखा होगा कि एक ही बर्फ की बड़ी सी सिल्ली थी, लेकिन इसमें ज्यादा है भाई। तो अब यहाँ से चलते हैं कहीं ना कहीं से, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है यार।
इस वाले ट्रैक में थक गया यार मैं, पता नहीं क्यों। वाह भाई साहब, ये देखिए भाई, ये है टासमान लेक और टासमान ग्लेशियर। ये वाली जगह तो मुझे उससे भी मस्त लग रही है। यहाँ पे देखिए, ये बर्फ की सिल्लियाँ आइसबर्ग टाइप में ग्लेशियर से टूट टूट के इधर आ रखे हैं। आज से लगभग 150 साल पहले तक वो ग्लेशियर यहाँ तक आता था। और इधर एक थोड़ी देर पहले आपने एक छोटा सा लेक देखा था ना, मैं बता रहा था यार उस लेक को ग्लेशियर से पानी मिलता था। तो ये देखिए भाई, अभी इस ग्लेशियर की लेंथ 24 किलोमीटर बची हुई है और 2027 तक एक्सपेक्टेड है कि ये ग्लेशियर 4 किलोमीटर और पीछे चला जाएगा। साल दर साल ये पीछे जाता जा रहा है। ये वाली जो चोटी है ना, ये वाली, ये दो, ये माउंट कुक है। माउंट कुक को जो न्यूजीलैंड की हाईएस्ट पीक, जो सुबह से आपको बता रहा हूँ, माउंट कुक ये इस साइड से व्यू है। उस साइड वाली थी हुकर वैली और ये है टासमान वैली। बड़े मस्त जगह है यार, कितनी तारीफ करो उसकी उतनी कम है। ये जो काला काला दिख रहा है ना नीचे, वाइट और ऊपर काला, ये पूरी बर्फ है भाई। बर्फ के ऊपर पहाड़ों के जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना, वो गिरे हुए हैं, उसके नीचे पूरी बर्फ। अभी इस ग्लेशियर की लेंथ 24 किलोमीटर है। काफी दिनों से मैं बात कर रहा हूँ भाई ग्लोबल वार्मिंग वगैरह वगैरह, खास करके कुछ ट्रैवलर्स मैंने देखे हैं कि एनवायरमेंट के लिए कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं कि नहीं यार हमें गंदगी नहीं करनी चाहिए। चलो गंदगी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें ग्लोबल वार्मिंग का ध्यान देना चाहिए। लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो मेरे जो कार्बन फुटप्रिंट है वो आप लोगों से ज़्यादा है, आपको पता है। अब देखिए, मैं कंट्री ट्रैवल करता हूँ तो मुझे फ्लाइट्स लेनी पड़ती हैं। अगर आप फ्लाइट्स लेते हो तो सबसे ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट फ्लाइट्स में आते हैं। अब जैसे मैंने गाड़ी रेंट की हुई है तो उस टाइम भी मेरे कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा हो रहे हैं। और घूमना कोई ऐसी नेसेसिटी नहीं है कि जिसके बिना धरती बंद हो जाएगी, लेकिन अगर मैं घूमना बंद कर दूँ तो मेरे कार्बन फुटप्रिंट जरूर कम हो जाएंगे। तो एक हिपोक्रेसी देख रहे हो आप। तो अगर कोई भी ट्रैवलर आपको ज़्यादा बकवास करते हुए मिले कि यार हमें एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना चाहिए वगैरह वगैरह, तो आप उसको ये बोल देना भाई तेरे कार्बन फुटप्रिंट्स मेरे से ज़्यादा है। काफ़ी देखा है मैंने यार, काफ़ी कई लोग एकदम वोक हो जाएंगे, नहीं यार ये करना चाहिए वो करना चाहिए। ठीक है यार, देखो मेरा अब ये काम है तो मेरा इसके बिना काम नहीं चलने वाला, लेकिन मैं आप लोगों को ज्ञान नहीं दे सकता ना एनवायरनमेंट के ऊपर। एंड ऑफ द डे मेरे कार्बन फुटप्रिंट्स लगभग आप लोगों से ज़्यादा ही है। लेकिन भाई जो खास करके ट्रैवलर्स हैं वो एनवायरनमेंट के लिए कुछ ज़्यादा वो शो ऑफ करते हैं कि हाँ भाई ये है वो है, लेकिन सबसे ज़्यादा एंड में नुकसान भी हमें ज़्यादा पहुँचा रहे होते हैं। अब मान लो कोई अनएक्सप्लोर्ड जगह है, उसको अगर मैं वीडियो में दिखा दूँ तो उसके बाद वो अनएक्सप्लोर्ड कहाँ से रहेगी, वहाँ पे और लोग जाने लग जाएंगे मेरी वीडियो डालने के बाद। तो हिपोक्रेट तो हम भी हैं। ये देखिए भाई, खतरनाक व्यू नहीं आ रहा है, एकदम नीली नीली बर्फ दिख रही है। लेकिन यहाँ पे आके जो शांति मिल रही है ना, वो कुछ अलग ही टाइप की है यार। बड़ी प्यारी, बहुत मस्त जगह है। ये देखिए, ऊपर रह गए पहाड़, पहाड़ों से बर्फ पिघल के नीचे आती है इस ग्लेशियर की तरफ। ग्लेशियर में बर्फ है, वो पिघल के ये लेक बना है और यहाँ से बह के फिर आगे ये आगे नदी की तरफ चली जाती है। ये देखिए पूरी ये टासमान वैली हो गई और जो नदी जा रही है इसको बोलते हैं टासमान रिवर। ठंड हो रही है भाई, आगे भी जाना है ना मुझे फिर। अगर सारा टाइम यहीं पे बिता दिया तो आगे नहीं जा पाऊंगा फिर, और रात को बर्फ़ जमने के बाद वैसे भी ड्राइविंग करने में दिक्कत होती है। हो गई है भाई, आज के जितनी भी ट्रैकिंग थी सब ख़त्म। और ये हेलीकॉप्टर पता नहीं क्या लेके जा रहा है, ये एक और आ रहा है हेलीकॉप्टर। ये वाला लग रहा है मेरे को जो टूर होते हैं ना, ये टूर ऑपरेटर का है। अगर आप टूर लेना चाहो तो माउंट कुक के चारों तरफ हेलीकॉप्टर में घूम सकते हो। माउंट कुक का जो ऊपर वाला ग्लेशियर है, ग्लेशियर की बर्फ़ के ऊपर आपको हेलीकॉप्टर लैंड भी करवाएगा 10 मिनट के लिए आप वहाँ ग्लेशियर को टच कर सकते हो। और उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस ये हेलीकॉप्टर लेने हैं और आप सीधा 30 से 40 मिनट की ये फ़्लाइट होगी हेलीकॉप्टर के अंदर। और भाई उसके चार्जेस हैं अराउंड 15 से लेके 20 हज़ार रुपये, उतना एक्सपेंसिव नहीं है यार। आप कंसिडर करिए हेलीकॉप्टर जर्नी है, तो अगर आपको इंटरेस्टेड है तो इसको ज़रूर करना चाहिए। और अब मैं एक बार वॉशरूम होकर आ रहा हूँ। ये एक छोटी सी शेड बना रखी है जहाँ पर आप रेस्ट वेस्ट कर सकते हो, अंदर जगह है बैठने की। और जो यहाँ पे वॉशरूम्स हैं वो लॉक कर रखे हैं यार, पता नहीं क्यों। अब मेरे को प्रेशर आ रहा है तो देखना पड़ेगा कि मुझे अगले वॉशरूम कहाँ मिलेंगे। और वो रही भाई अपनी गाड़ी। आज के दिन में आपका भाई 13 से 14 किलोमीटर पैदल चल लिया है और अब पैर ऐसे ऐसे होने लगे हैं कि बस दीपांशु बहुत हो गया, अब गाड़ी में बैठ जा। आगे जाने की जो जगह है वो अभी तक फाइनल हुई नहीं है, लेकिन मैं मेन रोड पे आ चुका हूँ
और यहाँ पे मेरे को ना ड्रोन उड़ाने के लिए अच्छा सा स्पॉट दिख रहा है। यहाँ पे आसपास ना तो एयरपोर्ट और कुछ भी नहीं है, यहाँ मुझे शायद कोई दिक्कत नहीं होगी ड्रोन फ्लाई करने में। और सामने जो बादलों के बीच में ढकी हुई है ना, ये है माउंट कुक की चोटी। ये इस टाइप की वैली में हूँ मैं अभी, ड्रोन फ्लाई कर ही लेते हैं यार एक बार। बस भाई वापस से ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया। ड्रोन शॉट कैसे लगे आपको? मेरे को डर लग रहा था एक बार हेलीकॉप्टर तो आ ही गया था, फिर मैं छोड़ो यार हेलीकॉप्टर आ जाएगा। अब वापस से ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया है। रास्ता बड़ा प्यारा है यार, और कुछ होना हो इस रास्ते को देख के दिल खुश हो जा रहा है। भाई बाहर जो अभी एरिया है ना, इसका नाम है लिंडी पास। लिंडीज पास। अब मैं जा रहा हूँ वनाका की तरफ, और यहाँ से न्यूजीलैंड के थोड़े प्लेटू टाइप स्टार्ट हो जाएंगे, थोड़े हाई माउंटेन्स जिनके ऊपर ड्राइविंग करनी पड़ेगी। अगर आप नॉर्थ से साउथ की तरफ और जाते हो, वनाका साइड जाते हो, तो एक पास क्रॉस करना पड़ता है, लिंडी पास। उसी पास के ऊपर हो, और यहाँ पे ना रास्ते कुछ ज्यादा ही टर्निंग वाले हैं, और स्नोफॉल के टाइम पे, सर्दियों के टाइम पे यहाँ पे बर्फ भी जमने लग जाती है। तो 5 मिनट यहाँ पे रुक रहा हूँ, अब आगे का जो जर्नी वापस से कंटिन्यू करने वाला हूँ। लिंडी पास, हरियाणवी में लिंडी किसी और चीज को बोलते हैं, जो हरियाणवी बंदे वो समझ पाएंगे कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। चलो भाई अब वापस से कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को। कैसे हो भाई? अभी जस्ट हॉस्टल में पहुंचा हूँ। आज गाड़ी के अंदर सोने का मन नहीं था। पहले मैं सर्च कर रहा था 2-3 कैंप ग्राउंड, और उन कैंप ग्राउंड में गया तो वहाँ पे मुझे वाईफाई नहीं मिला। फिर मैं छोड़ा यार, मेरे को वीडियो अपलोड कर लिए, तो मैं इधर वनाका पहुंच गया हूँ। अभी लास्ट वीडियो हमने जो जगह देखी थी लिंडीज पास, लिंडीज पास से अभी मैं लगभग 100 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ। इस जगह का नाम है वनाका, और कल सुबह मैं नीचे ओड साउथ की तरफ निकल जाऊंगा। आते ही मैंने शावर लिया, भाई थक गया हूँ आज बिल्कुल पूरी तरीके से। जो सारा सामान अभी गाड़ी में ही पड़ा है, बस लैपटॉप और ये सामान लेके आया था। नहाया मैं, और अब थोड़ी वीडियो एडिट करके मैं सोने चला जाऊंगा। ये भाई हॉस्टल जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, यहाँ पे मैं पे कर रहा हूँ $35 पर नाइट, जो आपके हो जाते हैं लमसम 1,700 रुपये। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ।